आज भी कुछ नहीं बिका है। अब मछली जैसे पैनकेक्स क्यों नहीं बना रही है? बना तो रहा हूँ। आपका स्वागत है। माफ कीजिए, आज आप यहाँ पर? हाँ, आज मेरे डैड की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। ओह, तो ये बात है। क्या तुम्हें उनसे कुछ काम है? बात ये है कि अंकल हमें पैनकेक के टूटे हुए टुकड़े देते हैं खाने के लिए। ये लो। आपका शुक्रिया। आज तो कोई ग्राहक भी नहीं आया। ये भी बहुत टेस्टी है ना? अब क्या चाहिए? ये जगह बहुत अच्छी है। सही कहा, यहाँ पर भीड़ नहीं है, हम जब तक चाहिए रह सकते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो पैनकेक कौन खरीदता? मेरी मॉम ने बताया है कि स्टेशन के पास एक नई दुकान खुल गई है, इसीलिए यहाँ कोई नहीं है। आपका यहाँ स्वागत है। ये नई तरह का मछली जैसा पैनकेक है, इसको टेस्ट करके देखिए। वहाँ सिर्फ मछली वाली शेप के ही नहीं, और भी तरह के केक मिलते हैं। मुझे तो मस्टर्ड वाले पसंद है। मस्टर्ड नहीं, कस्टर्ड होता है शिनचैन। तुम तो काफी समझदार हो। यहाँ भी अलग तरह के पैनकेक्स बने तो ये दुकान भी मशहूर हो सकती है। देखो, मेरे ये वाले पैनकेक्स तो बिकते नहीं है, अब दूसरे डिजाइन बना भी लूँ तो क्या होगा? मुझे आइसक्रीम वाला पसंद है। ऐसा क्या? अगर मेरे पैनकेक्स बिकेंगे तो मैं भी अच्छे पैनकेक्स बनाऊंगा। मैं भी आइसक्रीम वाले पैनकेक्स बना सकता हूँ, अब तो खुश होना। बहुत खुशी। बहुत बढ़िया। इस दुकान को मेरे दादाजी ने शुरू किया था, और ये कासुकाबे की सबसे पुरानी दुकान है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इस दुकान के बारे में सब जानते हैं। एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप पैनकेक पुराने तरीके से क्यों बनाते हैं? तुम समझते नहीं हो बच्चे, इन्हें एक एक करके बेक करना ही अच्छा होता है, समझ गए ना? देखो, तुम्हारे डैड इस दुकान को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम